दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बेटे की सहेली से रेप, पीड़िता ने की आत्महत्या, सपा बोली बीजेपी एमएलए का दुलारा है आरोपी। उत्तर प्रदेश के आगरा में सहेली के बाप का काला कारनामा सामने आया है। बेटी की नाबालिग सहेली की जाल में फंसाया और उसके मानसिक और शारीरिक शोषण किया, ब्लैकमेल किया और इस हद का किया कि वह नाबालिग पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नाबालिग पीड़िता ने आत्महत्या कर ली और अपने घर कर कर दी। मौके की मौत की जानकारी मिलने पर परिवार वाले मिलने जुलने वाले लोगों से कोहराम मचा हुआ था। अभी आत्महत्या की वजह तलाश रहे हैं। अलग आनंद फानंद से आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने को दे दी गई और पुलिस की मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि नाबालिग की मौत के पीछे उसकी सहेली के पिता राजेंद्र चौहान का हाथ है। मृतका के परिजनों के आरोप लगाया है कि राघवेंद्र ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया है और जिससे दुखी होकर नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया है कि रिपोर्ट्स के बलात्कार की पुष्टि होने पर वह छात्रा ने मोबाइल के कॉल डिलीट कर दिया है। उसके बाद वह पुलिस ने वह दर्ज किया है मामला और आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो कानूनी प्रावधानों के तरफ मामला दर्ज किया हुआ है। परिजनों का आरोप है कि राघवेंद्र चौहान उनकी नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण भी कर रहा था। राघवेंद्र चौहान सत्ता की हनक भी लिया हुआ है। आपको बता दें कि उसके सत्ताधारी नेताओं से संबंध है और वह कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जब पुलिस अपनी कार्यवाही पर आई है तो सत्ता की हनक दिखाए वाले राजेंद्र चौहान की सारी हेगड़ी निकल गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर भी आरोपी राघवेंद्र के भाजपा नेताओं के साथ फोटोज वायरल हुए हैं। वायरल फोटो में समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा है और वह कह रहे हैं कि सहेली की बेटी का शोषण करने वाला भाजपा नेता है। समाजवादी पार्टी के मेडिकल सेल वह मीडिया में ट्वीट अकाउंट पर पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी किया हुआ है और जिसमें विधायक समेत कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाए गए हैं। एक ट्वीट ने लिखा है कि वह नेता भाजपा का नेता है और इसीलिए बुलडोजर के एक एनकाउंटर के बाद बचा हुआ था और यह व्यक्ति भाजपा नेताओं का दुलारा है। और वह समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह ने जवाब भी दिया है। बीजेपी विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के यह सबक सिखा रहा है और जीरो टोलसेंस का एक काम कर रहा है और वही वजह की उनके आरोप के केस होने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं के तहत आरोपी को कार्यवाही की जा रही है। बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बेटी की मौत के बाद परिवार ने आरोपी राघवेंद्र चौहान को फांसी की सजा सुनाने की मांग की है। परिवार ने वह कहा है कि वह राघवेंद्र चौहान लगातार उनकी बेटी को फोन करता था और परेशान करता था। आईपीसी एकात्म नियमन ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। स्कूल के रसोई कक्ष में दिव्यांग बालिका से रेप। सदर थाना क्षेत्र के गांव के सरकारी स्कूल में एक दिव्यांग बालिका के साथ विद्यालय के छात्र ने दुष्कर्म किया है। घटना के बाद बालिका ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को बालिका के स्वजन इसका उलाहान दिया तो उसने पक्षों के वह जमकर मारपीट की है। बालिका के स्वजन ने इसकी तहरीर सदर थाने में दी। हालांकि पुलिस इसे मारपीट का मामला बता रही है और पुलिस का कहना है कि छानबीन करने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। पुलिस के स्वजन के मुताबिक उसकी बेटी विद्यालय में पढ़ती थी और शुक्रवार को दोपहर में विद्यालय में वह एकांत देखकर छात्रा ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और रसोई कक्ष में ले गया। वहाँ रसोई कक्ष में उसने वह खुद को बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया था कि शिकायत लेकर छात्रा ने उसके परिजन वालों को पूरी बात बताई और मारपीट की। पीड़िता के साथ गांव के लोग भी पहुंचे थाने। दिव्यांग छात्रा के साथ एक घटना को लेकर गांव के लोग भी आक्रोश हो गए थे। पीड़िता के मां के साथ वह थाने पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मांग की कि मुकदमा दर्ज करने के आरोपी को विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कटघरे में विधायक वह प्रशिक्षक। इस मामले को लेकर विद्यालय के एक प्रशासन ने भी कटघरे में खड़ा किया है और विद्यालय की इतनी बड़ी घटना हो गई है और आखिर विद्यालय प्रशासन घटना के समय क्या कर रहे थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना था कि शुक्रवार की दोपहर लड़की पानी के पीने के लिए वहां गई थी और इसका भी पीछे पीछे वहां चला गया था और यहां उसके छेड़छाड़ करने लगा और लेकिन दुष्कर्म की बात पूरी तरह से झूठी है।
रसोई कक्ष की उससे कमरे में सामने गया था और विधायक में अन्य शिक्षक के बच्चे भी मौजूद थे। और ऐसे में दुष्कर्म का मामला संभव कैसे है? शनिवार को विद्यालय के बच्चों के द्वारा मामला अज्ञात से सामने आया है और वह बच्चों को बुलाकर दंडित किया गया है और इसके घर शिकायत दी गई है और वहां न जाने क्या हुआ, वह दोनों की मारपीट किया करते थे और यह मामला पूरी तरह से मारपीट का है। दुष्कर्म की बात झूठी है और अभी किसी पक्ष में कोई तहरीर नहीं दी है और दोनों पक्षों के थाने पर बुलाया गया है। तहरीर मिलने पर मामले की जाँच की जाएगी और जो दोषी होगा उसे विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। पति ने पत्नी के संबंध के शक में शख्स के गला घोट कर किया पति ने पत्नी से संबंध के शक में शख्स के गले और पेट पर चाकू से किया वार। मुंबई के चुना भट्टी में शख्स पर चाकू से हमला करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया है कि विवाहित एक संबंध शक में दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार की रात की एक चुना भट्टी स्वदेशी में मस्त एक परिसर की है और पुलिस ने कहा है कि आरोपी की पत्नी को पीड़िता और उसके पति को समझा मामले में बातचीत को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। आरोपी के साथ उसका एक दोस्त भी आया था और जिसने कथित तौर पर चाकू मारने के उसका हाथ दिया था और इस घटना के चाकू के हमले में पीड़िता की हालत गंभीर हो गई थी और वह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी चाकू से किए कई बार। चुनाभट्टी पुलिस ने बताया कि पीड़िता की पहचान राम कुमारी उर्फ बाबू सेवर राम के और विश्वकर्मा के रूप में हुई है जो वर्तमान में सायर अस्पताल का है और वह पुलिस ने कहा कि मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता कुलसुम सुन रमेश मैत्री और घटना के दिल तड़के 3:30 बजे वह पुलिस ने संपर्क किया और वह कुलसुम कुटला पश्चिम के बोरी कब्रिस्तान में निवासी है और उसके पुलिस को बताया कि वह उसके पति रमेश के साथ तानापुर व संबंध थे और रमेश को लगा कि वह उसके पीड़िता राजकुमार के साथ विवाहेतर संबंध है और पुलिस ने कहा कि आरोपी की पत्नी कुल रूम में वह स्वदेश खत्म करने के लिए वहां से गई थी और उनके दोनों स्वदेशी मां से परिजनों को मिल बातचीत के दौरान उन्हें बुलाया गया और इसे बस सच्चाई बताने के बाद कोशिश कर रही थी और तभी रमेश ने अपना आपा खो दिया और पत्नी के साथ बहस करने लगा। कुलसुम ने बताया है कि पत्नी उसकी मारपीट कर रही थी और कुलसुम ने बताया है कि राम कुमार ने उसे बचाने की कोशिश की और जिसके बाद रमेश ने उस दोनों पर मारपीट करना शुरू कर दिया और चाकू से हमला कर दिया। इतने में रमेश के दोस्त इमरान उर्फ शाहरुख वहां पे पहुंचे और चाकू दे दिया और उसे चाकू से कई बार भी किए। इसके बाद रमेश ने अपनी पत्नी को धक्का देकर वहां से चला गया और चाकू से हमला करने लगा और उसके पीड़िता राम कुमार गले और पेट पर भी चाकू से कई बार की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। एक अधिकारी ने बताया है कि इस हमले के बाद राम कुमार अचानक से बेहोश हो गया और हमला करने के बाद आरोपी वहां से फरार भी हो गया। पीड़िता के बताया है कि आरोपी की पत्नी के पुलिस की मदद से गुहार लगाई है और पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधि योजना घोटाले की होगी जांच। 52 कूले की मांग पर मंत्री विखे पाटिल ने किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मनस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर